हेलो मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड से आप लॉन्ग टर्म वेल्थ तो बनाते ही है, बट क्या आपको ये पता है कि आप अपनी सेविंग्स टच किए बिना हर महीने रेगुलर इनकम भी कमा सकते हो। ये कोई थियरी नहीं, एक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। आज हम देखेंगे कैसे आप SIP और SWP का कॉम्बिनेशन यूज करके फिक्स्ड मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आपको SIP का बेसिक आइडिया तो होगा ही, राइट? ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड अक्यूमुलेट हो सके आपके म्यूचुअल फंड्स में। बट बात ये है कि जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से पैसे निकालने हैं तो आप पूरा एक बार में नहीं निकालना चाहते। दैट्स वेयर SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का मैजिक काम आता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप SIP के साथ SWP का कॉम्बिनेशन यूज करके अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो या कोई शॉर्ट टर्म गोल। जो लोग हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं हूं भावन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी के लिए आप ना हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। सो हाउ डज द कॉम्बिनेशन ऑफ SIP एंड SWP वर्क? चलिए इसको ना श्रिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। श्रिया ने 15 ईयर्स तक 20,000 रुपीज हर महीने SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो एवरेज 12% का रिटर्न दे रहा था। उसने टोटल 36 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और 12% रिटर्न के साथ उसका कॉर्पस 1.1 करोड़ बन गया। सो केस स्टडी नंबर 1, 50,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉल यानी 6 लाख रुपीज एनुअली। अब श्रिया चाहती है कि वो अपने 1 करोड़ 1 लाख रुपीज के कॉर्पस से 50,000 रुपीज पर मंथ की SWP करे। इसका करंट NAV मान के चलते है 200। इस फंड का एनुअल ग्रोथ रेट है 12% जो कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एवरेज आउट होता है 12% पे। अब पहले साल को देखते हैं। श्रिया को अगर एनुअली 6 लाख रुपीज विड्रॉ करने हैं तो उसे 3,000 यूनिट्स बेचने होंगे, क्योंकि अगर एक यूनिट 200 का है तो 6 लाख के लिए उसे 3,000 यूनिट्स चाहिए होंगे। सो श्रिया के 1 करोड़ 1 लाख के कॉर्पस में से 6 लाख रिड्यूस होंगे और बैलेंस होगा अप्रोक्सीमेटली 95 लाख। अब फॉर द सिंपलिसिटी सेक मान के चलते हैं कि इस फंड ने 12% का रिटर्न जनरेट किया तो ईयर एंड में दोबारा से ये अमाउंट बढ़कर 1 करोड़ 6 लाख होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बरस उसे 12% का ही ग्रोथ मिले। अब ये बरस मार्केट क्रैश हुआ और उसे नेगेटिव रिटर्न मिला, मान लो 15% का, तो यहाँ अब उसके कॉर्पस की वैल्यू होगी 85 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली। लेकिन श्रिया ना अपना विड्रॉल कंटिन्यू करेगी, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग टर्म में ये 12% से एवरेज आउट हो जाएगा। इस केस में ना श्रिया का कॉर्पस ग्रो करता रहेगा हर साल, बिकॉज फंड का जो रिटर्न है वो ज्यादा है विड्रॉल रेट से। श्रिया का इनिशियल कॉर्पस था 1 करोड़ और वो विड्रॉ कर रही है 6 लाख, दैट इज 6% ऑफ द कॉर्पस वैल्यू एनुअली। लेकिन फंड कितने परसेंटेज से ग्रो हो रहा है? 12% से, विच मींस कि 30 इयर्स बाद भी 6% विड्रॉल और 12% ग्रोथ के हिसाब से इस कॉर्पस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ 74 लाख रुपीज होगी। प्लस श्रिया ऑलरेडी 1.8 करोड़ विड्रॉ कर चुकी होगी। केस स्टडी नंबर 2, 1 लाख रुपीज विड्रॉल पर मंथ और 12 लाख रुपीस एनुअली। अब देखिए, श्रिया 12% ऑफ 1 करोड़ विड्रॉ कर रही है एवरी ईयर, लेकिन फंड भी 12% का रिटर्न जनरेट करेगा लॉन्ग टर्म में, ऐसा हमने अज्यूम करा है। तो यहाँ सिचुएशन ना थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। तो इस सिचुएशन में ना 20 इयर्स बाद ही श्रिया का ये पूरा कॉर्पस यूटिलाइज हो जाएगा, विच मींस कि वो यहाँ 12 लाख × 20 इयर्स 2.4 करोड़ ही विड्रॉ कर पाएगी 1 करोड़ के कॉर्पस से। अब हाउ लॉन्ग विल दिस कॉर्पस लास्ट? 50,000 पर मंथ विड्रॉल के हिसाब से श्रिया का कॉर्पस ग्रो करता रहेगा और विड्रॉल कॉर्पस को डिप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि फंड का ग्रोथ रेट ज्यादा का है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको यह समझाया कि 30 इयर्स बाद भी कॉर्पस बढ़कर 13 करोड़ प्लस हो चुका होगा, लेकिन अगर हम 1 लाख रुपीस पर मंथ की बात करें तो 20 इयर्स में ही ये कॉर्पस डिप्लीट हो चुका होगा। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको SWP स्ट्रेटेजी प्लान करते समय ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट इज टाइम होराइजन ऑफ विड्रॉल। सबसे पहली चीज जो आपको कंसिडर करनी है वो है, क्या आपको रेगुलर इनकम 10 साल के लिए चाहिए या 30 साल के लिए? अगर लॉन्ग टर्म विड्रॉल चाहिए तो आपको अपने विड्रॉल रेट को केयरफुली प्लान करना होगा ताकि आपका कॉर्पस सस्टेन हो सके। नंबर 2, हाउ मच इनकम नीड्स टू बी जनरेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको हर महीने कितनी इनकम चाहिए? हो सकता है श्रिया को अभी 50,000 रुपीज की जरूरत हो, बट इन्फ्लेशन के साथ साथ उसकी नीड्स भी बढ़ सकती है। आज वो 50,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रही है, लेकिन अगले 10 सालों में ये अमाउंट उसकी करंट लाइफस्टाइल के लिए काफी नहीं होगा। श्रिया हर साल 50,000 रुपीज पर मंथ निकाल तो रही थी, जो 6 लाख
एनुअली था, अगर इन्फ्लेशन 6% का होता है तो अगले साल वो 50,000 नहीं 53,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करेगी, जो 6,36,000 रुपीज एनुअली होगा। और इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं तो 10 साल बाद श्रिया 89,542 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करेगी टू मेंटेन द सेम परचेजिंग पावर। मतलब इन्फ्लेशन के साथ साथ श्रिया के विड्रॉल बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर फंड का ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है तो कॉर्पस मैनेज हो जाएगा। अगर फंड रिटर्न इन्फ्लेशन से कम हुआ तो कॉर्पस जल्द ही डिप्लीट हो सकता है। और इसीलिए जब एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आपका फाइनेंशियल प्लान बनाता है तो वो इन सारे फैक्टर्स को फाइनेंशियल प्लान बनाते समय कंसिडर करता है। जैसे इन्फ्लेशन अगर 6% की जगह 7% हुआ तो क्या होगा, या फिर रिटर्न्स अगर 12% की जगह 8% हुए तो क्या होगा, या फिर अगर कोई रिटायरमेंट के बाद 80 ईयर्स की जगह 95 ईयर्स तक सर्वाइव करता है तब क्या होगा, एंड सो ऑन। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये सारा कुछ समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर, विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर, या फिर इस वीडियो का ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हो। सो हाउ टू यूज SWP फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। मान लो आप 30 साल के हैं और अभी से रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो। आप डिसाइड करते हो कि 20,000 रुपीज हर महीने SIP के थ्रू इन्वेस्ट करोगे फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, और हर साल आप अपने SIP को 10% से इंक्रीज भी करोगे, यानी हर साल आपका SIP अमाउंट थोड़ा बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। सो SIP अमाउंट है 20,000 रुपीज, ड्यूरेशन है 25 ईयर्स और स्टेप अप रेट है 10% एनुअली। अब 25 साल बाद आपका अक्यूमुलेटेड कॉर्पस 2.5 करोड़ का हो जाता है, अज्यूमिंग की फंड 12% का एनुअल रिटर्न दे रहा है। रिटायरमेंट के बाद आपको ना 1 लाख पर मंथ का फिक्स्ड इनकम चाहिए ताकि आप अपने लाइफस्टाइल को कंफर्टेबली मेंटेन कर पाओ, तो आप SWP के थ्रू 1 लाख रुपीज पर मंथ विड्रॉ करने का प्लान बनाते हो जो साल का 12 लाख रुपीज होता है, विच मीन्स मंथली विड्रॉल 1 लाख यानी साल का 12 लाख। और अब अगर फंड 10-12% का एनुअल रिटर्न दे रहा है तो इन्फ्लेशन के साथ आप अपना विड्रॉल बढ़ा सकते हो और फिर भी आपका कॉर्पस ग्रो करता रहेगा। जैसे फर्स्ट ईयर में 12 लाख, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 12 लाख प्लस 6% और 30 ईयर्स बाद भी आपके कॉर्पस की वैल्यू 4.9 करोड़ रुपीज होगी। इस स्ट्रेटेजी से ना आप अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकते हो, इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हो और एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ भी जी सकते हो। अगर आप अपने अर्ली 30s 40s में हो तो ये SWP स्ट्रेटेजी इन म्यूचुअल फंड्स एक इफेक्टिव टूल है अपने रिटायरमेंट को फाइनेंशियली सिक्योर बनाने के लिए। सो हाउ आर दीज SWP टैक्स, टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा? म्यूचुअल फंड्स में ना SWP विड्रॉल पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा टाइम तक होल्ड किया है तो, यानी अगर आपने 1 साल बाद विड्रॉ किया तो काफी टैक्स एफिशिएंट होता है कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं ना तो पहले 1.25 लाख रुपीस के प्रॉफिट बुकिंग पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता और उसके ऊपर के प्रॉफिट पर भी आपको सिर्फ 12.5% का ही टैक्स देना होता है। अब मान लो यही इन्वेस्टमेंट अगर आप FD में करते हो तो FD में ऑलरेडी 7% का ही रिटर्न मिलता है। अब उसमें से आप 6% का इन्फ्लेशन निकालो तो आप ऑलरेडी -1% में चले गए, प्लस आपको जो टैक्स देना होता है ना FD के रिटर्न पर, इंटरेस्ट पर, वो आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से देना होता है। अब उसमें आप 30% तक का टैक्स भी पे करोगे, विच मींस डेफिनेटली SWP फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एक सही तरीका है अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को सही से जीने का। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? तो आज हमने देखा कि कैसे SIP और SWP का कॉम्बिनेशन आपको रेगुलर इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है, चाहे आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम हो या रेगुलर इनकम। ऑलराइट, तो अब ना इस वीडियो को हमें यहीं पे एंड करना होगा, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा भी कुछ सीखने मिला हो आपको इस वीडियो से तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में थैंक यू लिख दीजिए। इससे ना मेरी भी छोटी सी हेल्प होगी और ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। आप ना इस चैनल पर अपलोड हुए और भी वीडियोस को देखिए इस बॉक्स को क्लिक करके, और अगर थोड़ा भी कुछ सीखने मिले ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहे तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर theartofwealthbuilding.com पर विजिट कर सकते हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।